Will those in favor of the draft resolution contained in document S/2024/254 please raise their hand? Those against? Abstention? The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 vote against, 1 abstention. The draft resolution has been adopted as resolution 2728-2024. सलामती काउंसिल में चार नाकाम कोशिशों के बाद गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। रमजान में फौरी इंसानी बुनियादों पर जंग रोकने का मुतालबा। तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। गजा पट्टी में शहरियों की हिफाजत, इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत पर जोर। जंगबंदी की करारदाद 10 मुंतखब अरकान ने पेश की, 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद पेश करने वाले ममालिक में जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड शामिल। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, सलामती काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद करवाया जाए, नाकामी नाकाबले मुआफ़ी होगी। हमास का भी खैर मकदम, अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो ना करने पर इसराइली वज़ीर आज़म बरहम। इसराइली वफ्द का दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल की करारदाद का खैर मकदम। दूसरी जानिब गजा में इसराइली बर्फियाँ जारी, 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी शहीद। कराची वाले डाकुओं के रहमो करम पर एक और नौजवान जान से हाथ धो बैठा। सुरजानी टाउन में डकैती मजाहमत पर नौजवान जांबहक जुहेब इफ्तारी के लिए मामू के घर आया हुआ था। डाकुओं ने मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की, मजाहमत पर फायरिंग कर दी। गोली जुहेब के सीने में लगी। जुहेब घर का वाहिद कफील, वालिदैन गम से निठाल। SSP वेस्ट के मुताबिक जय बकुआ से 9mm पिस्तौल का कॉल मिला है। रवां साल शहर में 45 अफराद डाकुओं का निशाना बन चुके। उधर नॉर्थ कराची में डकैती मजाहमत पर जांबहक नौजवान सुपुर्द खाक। छतरी चौक ईदगाह में नमाज जनाजा अदा, मुतहिदा रहमा फारूक सत्तार की शिरकत। शहर में पुलिस मुकाबलों में तेजी, 6 इनकाउंटर में 10 मुलजिमान पार। पुलिस पतंगबाजी का खूनी खेल रोकने में नाकाम। धाती दौड़ फिरने से मजीद 3 अफराद जख्मी। सियालकोट में मुंह पर डोर फिरने से नौजवान शदीद जख्मी। असीस अफतारी का सामान लेने जा रहा था कि डोर फिर गई। इंतजामिया की जानिब से वाकये को छुपाने की कोशिश, नौजवान के दोस्त ने टांके लगाने की फुटेज वायरल कर दी। समुद्री में गले पर डोर फिरने से 22 साल नौजवान एजाज जख्मी। कराची के इलाके मलीर में भी डोर फिरने से 45 साल शख्स जख्मी। पंजाब भर में पतंग फोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, सैकड़ों पतंगे और धाती डोरें बरामद, मुतअद्दिद गिरफ्तार। पतंगबाजों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज होंगे। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का पंजाब भर के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और होम सेक्रेटरी को खत। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फैसलाबाद आमद। पतंग की डोर फिरने से जांबहक आसिफ के घर पहुंचे, मुतवफ़ी के अहले खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। मरियम नवाज ने मरहूम की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। नवाज शरीफ ने कहा, वाकई की खौफनाक वीडियो नहीं देखी जा सकती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। मरियम नवाज ने कहा, मैं खुद माँ हूँ, माँ का दुख समझ सकती हूँ। पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। वालिदैन अपनी समाजी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की वासा मुलाजमीन के लवाहिकीन से मुलाकात, बच्चों को प्यार करते रहे। उधर वजीर अला पंजाब और नवाज शरीफ से तुर्की के सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। एडिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के इस्तीफे के मामले में नया मोड़। विभागीय वज़ीर इत्तला'आत तारिक का माइकल थॉमसन से राब्ता, इस्तीफा वापस लेने और मामले को खुशअसलूबी से हल करने पर गुफ्तगू। एडिसन के प्रिंसिपल ने इदारे में सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा गवर्नर हाउस की जानिब से प्रिंसिपल को लिखे गए खत के बाद सामने आया। खत में विफाकी वजीर राहत चीमा के बच्चों की फीस माफ करने का जिक्र किया गया। एडिसन कॉलेज बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के रुकन सैयद बाबर अली शाह भी मुस्ताफी। बाबर अली शाह ने माइकल थॉमसन की खिदमात को भरपूर सराहा। दूसरी जानिब जराए के मुताबिक माइकल थॉमसन की 40 लाख तनख्वाह का ऑडिट शुरू। तो मेरी मिसेज ने एप्लीकेशन दी थी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन 2022। ठीक, जब उनकी ट्रांसफर हो गई थी इस्लामाबाद,
कि हमें इस्लामाबाद ट्रांसफर के बाद कॉलेज से छुट्टी दी जाए। ठीक, तो प्रिंसिपल ने कहा छुट्टी आपको मिलेगी बट आपको फुल फीस देनी होगी। ठीक, तो उन्होंने इनको लिखा कि जी दो जगह पर फीस देना तो मुश्किल काम है, तो आप हमें बगैर फीस के अलाउ करें। अहलिया ने एचिसन को इंतजामिया को 2022 में दरख्वास्त दी थी। वफाकी वजीरा हद चीमा की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगु, कहा दरख्वास्त ये थी इस्लामाबाद ट्रांसफ़र हो चुकी इसलिए कॉलेज से छुट्टी दी जाए। प्रिंसिपल ने कहा छुट्टी आपको मिल जाएगी मगर पूरी फीस अदा करना होगी। एचिसन को बताया दो जगहों पर फीस देना मुश्किल काम है। प्रिंसिपल ने फीस माफ़ी की दरख्वास्त ना मानी, जिसके बाद अहलिया ने गवर्नर पंजाब को खत लिखा। गैस की कीमत में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म बरहम, एक माह में फ्रांसिक ऑडिट रिपोर्ट पांक ली, ओग्रा और गैस कंपनी की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब। पाप ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वजारती कमीशन कायम करने की हिदायत। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ हंगामी इकदाम का फैसला, कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में रुकावटों की निशानदही करना होगी, इंक्वायरी कमेटी तश्कील, 7 दिन में रिपोर्ट तलब, कहा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फॉल क्यों ना हो सका, सीमेंट के कारखानों के तमाम प्रोडक्शन लाइंस पर सिस्टम के नफाज की हिदायत, सिस्टम लगाने से इनकारी कारखानों को फौरी सील करने का हुक्म। चेयरमैन ओग्रा आइंदा माली साल से गैस की कीमत बढ़ाने का इंदिया दे चुके। SNGPL की दरख्वास्त पर लाहौर में समात, तमाम स्टेक होल्डर्स ने कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं गैस की कीमतों में इजाफे के हवाले से तहफ्फुज़ात हैं, 70% से ज्यादा आवाम को गैस की सहूलत ही मैसर नहीं, 99% आवाम बिजली के सिस्टम से जुड़े हैं, सस्ती बिजली की फराहमी ही मसाइल का हल है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबे पर अमेरिका से छूट लेंगे, किसी किस्म की पाबंदियों के बगैर मनसूबे को मुकम्मल करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे, कोर कमेटी इजलास में मेंबरान की आपस में तलकलामी, शेर अफजल मरवत और न्यासुल्ला न्यासी में तर्क चुनों का तबादला। शेर अफजल मरवत ने कहा बाहर आओ तुम्हें मैं बताता हूँ, न्यासुल्ला न्यासी बोले आ जाओ बाहर मुझे शुएब शाहीन मत समझना। फिरदौस शमीम नकवी बोले शेर अफजल मरवत को कोई उस्ताद साथ रखना चाहिए न उसे पढ़ाए समझाए। अली मोहम्मद खान ने पंजोता और बैरिस्टर गौहर ने मामला रफा दफा कराया। फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल कालेदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस, केपी हुकूमत ने अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। केपी हुकूमत के वकील ने सूबाई काबीना की करारदाद अदालत में पेश कर दी, सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। अदालत ने जेर हिरासत 103 अफराद की तफसीलात तलब कर लीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद अस्खवाजा के वकील ने बेंच पर एतराज़ उठा दिया, दरख्वास्त गुजारों का सरकारी अपीलों के लिए निजी वकला पर भी एतराज़, मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। आजम सवाती, मुराद सईद, खुर्रम ज़ीशान सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार, एपलेट ट्रिब्यूनल पेशावर ने फैसला सुना दिया। आजम सवाती की टेक्नोक्रेट की नशस्त पर बाद में फैसला जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी, पोलिंग 2 अप्रैल को होगी, कौबे सप्ली का अजलास 1 अप्रैल को बुलाने का फैसला, 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वफद की मुलाकात, वफद की वजारत उज़्मा संभालने पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा फेक न्यूज़ बहुत बड़ा चैलेंज है, रोकथाम में मेन स्ट्रीम मीडिया का किरदार इंतहाई अहम है, मीडिया नुमाइंदों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुल्क की तरक्की की कोशिशों में हुकूमत का साथ दे। पार्लियामेंट सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म नहीं कर सकती, 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के केस पे जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट जारी।
ने कहा 18वीं तरबीब में आर्टिकल 62(1)(f) में मुद्दत का तायुन नहीं किया गया। 18वीं तरबीम का जायजा लेते ही मोहतात रहना चाहिए। 18वीं तरबीम सियासी जमातों ने मुतफिका तौर पर मंजूर की थी। भारत कश्मीरियों का कातिल है, कौम को इसके साथ तिजारत कबूल नहीं, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं। मसला कश्मीर की उमंग को और अक्वामे मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला कश्मीर के हल तक हिंदुस्तान से तिजारत के हक में नहीं, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर्रहमान का ईद के बाद मैंडेट बहाली के लिए तहरीक चलाने का ऐलान। शहर कायद में फौज की मदद से ऑपरेशन का भी मुतालबा। डीआई खान में सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग की जद में आकर साबिक डायरेक्टर जरात जामबहक हलाक, दहशतगर्दों में एक अफगानी भी शामिल। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज ट्रेनिंग एंड फिटनेस कैंप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आसम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर समान, साहबजादा फरहान स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अली, जमान खान शामिल। उसामा मीर, पहरान मुमताज, अब्रार अहमद, शाहिन शाह आफरीदी इन हो गए। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को चांस मिल गया। कैंप आज से मिलिट्री अकेडमी काकून पे शुरू होगा। फिटनेस कैंप के अख्ताम पर कप्तान का ऐलान मुतवक्के। वर्ल्ड मोए थाई चैंपियनशिप, पाकिस्तानी नौजवान ने आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। 23 साल आगा कलीम ने आलमी लाइट फ्लाई वे टाइटल जीता। आगा कलीम ने 51 किलोग्राम की कैटेगरी में फतह के झंडे गाड़ दिए। आगा कलीम का ताल्लुक बलोचिस्तान के इलाके पशीन से है। हिंदू बरादरी के रंगारंग त्यौहार होली का दूसरा रोज लाहौर के कृष्णा मंदिर में तकरीब। हिंदू कम्युनिटी के लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते रहे। मंदिर में पूजा पाठ, एक दूसरे को होली की मुबारकबाद दी। मेरे मुल्क पर मारूफ ड्रामा और नावल निगार हसीना मोइन को दुनिया से रुखसत हुए। 4 साल गुजर गए। शाहजोरी, जेर जबर पेश, अनकही, तन्हाइयां, धूप किनारे और आईना जैसे यादगार ड्रामे तहरीर किए। भारतीय फिल्म साज राज कपूर की ख्वाहिश पर उनकी फिल्म हेना के लिए मुकालमे तहरीर किए। तमगाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। तेरे रंग मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला नवाजता है तो वो रमजान में दे देते हैं क्योंकि उस वक्त नमाज दिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर वक्त अल्लाह ताला नवाजता है तो वो हर वक्त देते हैं। मेरे मौला करम हो करम। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई चौथे रोजे की अफ्तार। मेजबान सैयद फरहान अली वारिस ने की कलाम से इब्तिदा। मारूफ अदाकार नैयर एजाज आज बने मेहमान। माहम आमिर ने सुनाई प्यारे बच्चों को अंबिया की कहानी। मौलाना आसाद जमील ने बयान किए वज़ाइफ। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।